हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस कॉस थीटा तो था ही, साथ ही साथ फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्रिक्शन जब लगेगा उल्टा डायरेक्शन में लगेगा मोशन के। अगर ये बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है या मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ कंसीडर होगा माइनस साइन के साथ, है ना? क्लियर है? वर्टिकल में देखो अगेन, प्लस में लग गया पहले एफ साइन थीटा और माइनस में लग गया एम जी। ठीक, इससे कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कौन कौन लग रहा है वो देखो, ये लग रहा है, ये लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा। पी वन कॉस अल्फा, पी टू कॉस बीटा, कॉस बीटा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन ये भाई साहब निगेटिव में था, है ना? वाई डायरेक्शन में देखो, ये दोनों तो लग ही रहा है, एज वेल एज वजन भी लगेगा, वेट भी लगेगा इसका। ये दोनों ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव में रहेंगे, लेकिन वेट तो नीचे है, है ना? तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस देख लिए हमने। ठीक, जब जोड़ेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। प्लस और माइनस चूंकि हमने लगा दिया, मतलब हमने डायरेक्शन की बात वहीं कर दी, अब सिर्फ हमको मैथ्स के हिसाब से उसको जोड़ देना। ठीक, ये है बात? yes. तो देखो, जोड़ तो दिया ही, यहाँ पे तो खैर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स था ही नहीं, तो अब हम अप्लाई कर देंगे क्या चीज, एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब मास ऑफ बॉक्स इंटू एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट। यहाँ पे सिंपली एफ एम ए हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जो कि जीरो है, मतलब दिस इक्वल्स टू जीरो। ठीक, यहाँ पे मास ए एक्स यहाँ तो है ही नहीं कुछ, मास ए वाई है ही नहीं कुछ, यहाँ पे मास ए एच मास ए, है ना? यहाँ पे मास ए वाई मास इंटू जीरो जीरो। ठीक है, यह है चीज। तो इस तरह से न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। ठीक, ट्वेल्थ में तुमको दो चीजें, यहाँ पे हमको एक चीज समझो बस, उसी से पता चल जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो जो ऊपर वाले फोर्स थे टोटल, है ना, वो तो जुट गए, लेकिन जो नीचे वाला फोर्स था उसने क्या किया, माइनस किया इसको, अपोज किया उसको, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो यहां अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे अपने ही अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, तो ये सिंबल दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको अपोज करेगा, इसके वजन को, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो अपने अपोजिट फोर्स लगाएगा क्योंकि चार्ज निगेटिव है, तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है, वेट नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब अगर ये बॉल हवा में, ये चार्ज हवा में ही अगर रहना चाहे तो क्या करना होगा, वेट को कैंसिल करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कि जितना वेट है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर न्यूट्रलाइज कर दे, जीरो कर दे, तो वो बॉल, वो चार्ज पार्टिकल हवा में ही रह जाएगा, क्योंकि जब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, वो हवा में ही रह जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे यहाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन वेट आ जाएगा निगेटिव साइन के साथ, इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई, मतलब जीरो, मतलब
एफ माइनस एम जी इक्वल टू जीरो है ना, मतलब एफ इज इक्वल टू एम जी आया। सेम चीज उसमें एफ इज इक्वल टू एम जी।